उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं निहारिका नौटियाल काशी नगरी उत्तरकाशी से स्वागत करती हूँ आपका अपने इस व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं, आपको धीरे धीरे व्लॉग में पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो चलते हैं। में ना 2000 में आना जाना हो जाएगा। चलेगा, इतना सस्ता है नेपाल। हमारी करेंसी की ज्यादा वैल्यू है ना वहाँ। पर हम कैसे वहीं हो जाते हैं, तो वहीं हो जाते हैं। वहाँ पे ऐसे गांधी जी नहीं चलते वहाँ? नहीं, कौन चलते वहाँ? नेपाली रुपया चलता है। ये दोस्तों मनेरी का डैम। जगह जगह से झरने निकल रहे हैं दोस्तों। वाव वाव, झरने ही झरने दोस्तों। अभी हमने वहां से जाना है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो रखी है। दोस्तों यकमा ढूंगा फल क्या मेरी भाई, क्या रोड़ा टूटी। अबे ये कहाँ आ रहा? अब हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है। ट्रक ना भयंकर को छोड़ रहा, काला धुआं। ये दोस्तों पायलट बाबा, जहाँ बहुत सारे भगवान जी की मूर्तियां हैं। इधर से पैदल गाँव। मैं तो सोच रही कहीं गाँव होगा, अलग सी रोड होगी। दोस्तों हमने गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगा दी है और हम निकलते हैं मेले के लिए। नीचे सीधा नाली में उतरे गाइस। हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी है और हम सब चल रहे हैं। तो दोस्तों गांव इधर ऊपर है, वहाँ हम मेले में जा रहे हैं। अभी धक्का दे दे के जा रहे हैं। यहाँ से ऊपर जाना ना हमने। कितना किलोमीटर है चलने के लिए? मुझे खुद ही नहीं पता चढ़ता है। हमें रास्ता पता ही नहीं है कि कितने किलोमीटर है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि हम कब तक वहाँ पहुँचते हैं और गांव कितनी दूर है और कितने किलोमीटर। नहीं चढ़ पा रहे तुम? पीछे कितना प्यारा लग रहा है। ये बोर्ड है शायद गांव का। यहाँ तक तो कोई आवाज नहीं आ रही, मतलब बहुत दूर है अभी, है ना? बोल तो रहा, चढ़ाई अलग है। गांव तो ये आ गया पर मेरा तो दिख नहीं रहा। इस गांव का नाम है दोस्तों लाटा। रास्ता इतना खूबसूरत है, ऊपर गांव मेला कितना खूबसूरत होगा। काफी चढ़ाई है दोस्तों, पर हम पहाड़ी हैं तो हमें आदत है चढ़ाई की। कितना मस्त लग रहा है, चलो ना ऊपर आते हुए रहेंगे। राहुल उधर कितना मस्त लग रहा है। हेलो, आजा आजा। अभी आए हम राहुल के दोस्त के घर चाय पीने। उसी का गांव है ये जहाँ मेला हो रहा है। मस्त लग रहा है गांव। नहीं उस बच्चे को देखो। मेला शुरू हो गया दोस्तों। हाँ,
यह तीन देव डोलियों में से दो कंडार देवता की डोली है और एक सोमेश्वर देवता की डोली है। अब डोलियां अपने आसन में बैठेंगी। तो रासो लगने वाला है। दोस्तों लाइन पर लाइन बन गए यहाँ रासों की। ये अलग ही हो रहे हैं दोस्तों। जो ये हरा हरा है ये है केदारपाती। इसको सबसे पहले देव डोलियां, सारी देव डोलियां स्पर्श करती है, उसके बाद ये प्रसाद के रूप में सभी गांव वालों को जो भी बाहर से आ रखे हैं उनको दिया जाता है। इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होती है। Thank you.
इसको बोलते हैं लेसरू। दोस्तों ये दोनों डोली कंडार देवता की है और सोमेश्वर देवता की डोली अभी उधर गई है। दोस्तों वहां से सोमेश्वर देवता कुल्हाड़ी के ऊपर चलते चलते आ रहे हैं और यही शक्ति है हमारे उत्तराखंड की देवी देवताओं की। वो घर कितना मस्त लग रहा है वहाँ देख। वाओ दोस्तों, शाम की बज गई है 5 और अब हम निकलते हैं यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। वो कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे। घर पे हम रुकना चाहते थे हमेशा पर रुक नहीं पाए कभी। कौन सा है वो घर? नहीं है महल आश्रम टाइप का है वो। दोस्तों ये था गांव, कौन सा लाटा गांव था जहाँ हम मेले में आए थे। दोस्तों हम रोड पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे आए हैं दोस्तों हम पकौड़ी खाने। यात्रियां शुरू हो गए दोस्तों इधर उत्तरकाशी में गंगोत्री के लिए। मॉम छको फेमस पकौड़ी गाइस, मनी जी की फेमस पकौड़ी। दोस्तों व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।